आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.2। आपसे कह रहा है प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो व्हाट इज गिवन, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी, बेटे इसकी आवाज कम कराइए और ये बंद करा दो। आपसे कह रहे हैं लाइन, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो आपके पास क्या है, आपके पास मिड पॉइंट है, ठीक है। इसके मिड पॉइंट से आपने ये लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू वन साइड। तो आपके पास D मिड पॉइंट गिवन है और यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू वन साइड DC के पैरेलल। तो आपसे कह रहा है बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन होगी ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। तो E हमारा मिड पॉइंट होना चाहिए ये शो करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे लिखूं, गिवन हमारे पास ये है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB D is the midpoint of AB. दूसरा हमारे पास है DE is parallel to BC. ये हमारे पास है। आपसे कह रहा है प्रूफ करो DE bisect third side. E is the midpoint. तो जब तक आपको क्वेश्चन में ये चीज समझ में ना आ जाए कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तब तक बात नहीं बनेगी। अब देखो यहाँ कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास क्या है, हमारे पास डी पैरेलल दिया हुआ, तो हम यहाँ पे बीपीटी यूज कर सकते हैं। डीई इज पैरेलल टू बीसी, इट इज गिवन। सो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। कैसे आया ये बीपीटी से आया। तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन आपसे क्या कह रहा है डी मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो आप क्या कहोगे कि भाई ए डी जो होगा वो डी बी के इक्वल होगा, लिख दीजिए। बट ए डी इज इक्वल्स टू डी बी इवन मिड पॉइंट। तो इससे क्या मिलेगा, इससे ये मिलेगा डी बी को इधर ले आओ तो इधर वन रह जाए। ये जो वन आया इसको यहाँ रख दीजिए, जो पीपीटी आपने लिखी पुट इन वन, आंसर आ गया। तो अगर ए डी अपॉन डी बी की जगह आप वन रख देंगे तो आपके पास आएगा वन इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ई सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी सी। अब आप खुद बताइए, अगर किसी ट्राइंगल में ए और ई सी इक्वल हैं तो इसका मतलब ई क्या है, ई मिड पॉइंट है। और यही प्रूफ करना था कि थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। तो आप लिख दीजिए, सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ई सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जी संजय मित्र जी, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत जी? आवाज आ रही है आपको संगे मित्र, आवाज आ रही है? तो क्या कह रहे थे? ये भी अच्छी बात है, अगर आपको यही नहीं सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ तो फिर आप समझ क्या रही हैं? नहीं सर, जैसे आपने नाम लिया वो कॉल आ गया था। बहुत अच्छी बात है, आप इतनी बिजी रहती है क्या करूँ बताओ। सर हमारी क्या गलती है उसमें? अब इसमें हमारी क्या गलती है हमें बताइए, आपके हमारी ये गलती है, हमारी ये क्या गलती है? हम तो ये कह रहे हैं सिंपल सा कि भाई आप बिजी बहुत रहती हैं, अब क्या कर सकते हैं। अब आप जब बिजी रहती हैं तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब हमारे पास क्या है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है इसी पे बेस, छोटा सा पीपीटी पे, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.2।
ये हमारे पास आपसे कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आपसे कह रहा है प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. तो अगेन क्वेश्चन समझिए पहले. तो आपके पास क्या है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है. ज्योमेट्री में आपको सिर्फ यही करना है कि D1 क्या है. अगर आपने वो थोड़ा सा समझ लिया तो फिर करना आसान है. ये ट्राइंगल ABC है और एक लाइन है जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है. डी भी मिड पॉइंट है और ई भी मिड पॉइंट है और इसको ये लाइन ज्वाइन कर रही है डी. तो आपको क्या शो करना है, शो करो पैरेलल टू द थर्ड साइड कि DE पैरेलल टू BC होगा. तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास गिवन ये है D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड AC और आपको जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि DE पैरेलल होगा BC. ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रायंगल भी PPT है और एक कन्वर्स ऑफ PPT है. PPT ये है कि लाइन अगर पैरेलल होगा तो रेशो सेम होगा और कन्वर्स ऑफ PPT ये है कि अगर रेशो सेम होगा तो लाइन पैरेलल होगी. अब क्योंकि हमें शो करना है कि DE इज पैरेलल टू BC तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये जो रेशो है AD और DB और ये जो रेशो है AE और EC ये रेशो सेम आ जाए. तो ये रेशो कैसे सेम आएगा, बहुत ईजी है क्योंकि उसने खुद कह दिया कि D और E मिड पॉइंट है. अब आप वैसे ही सोच लो, पहले तो रख ली अगर ये मिड पॉइंट है तो ये रेशो 1:1 होगा और ये मिड पॉइंट है तो ये रेशो भी 1:1 होगा. तो दोनों का रेशो 1:1 है तो रेशो सेम लाइन पर है. तो इसे सिर्फ लिखना रह गया, क्या लिखोगे आप, ऐसे लिखो प्रूफ AD इज इक्वल्स टू DB. क्यों है, गिवन D इज मिड पॉइंट. तो आप कह दीजिए सो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू 1, पहली इक्वेशन. दूसरा फिर आप लिख लीजिए AE इज इक्वल्स टू EC, ये भी गिवन, E मिड पॉइंट है. तो आप लिख लीजिए AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू 1, तो दोनों 1 हो गए, इक्वल रख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2. तो आपके पास क्या आ गया, AD अपॉन DB is equals to AE upon EC. अब हमारे पास क्या होता है, अगर रेशो सेम होता है तो हम कह सकते हैं सो लाइन इज पैरेलल. सो DE इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ DB. दैट्स इट. तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे पास गिवन क्या है, ये देखिए. तो गिवन था कि ये मिड पॉइंट्स हैं, अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो फिर रेशो सेम है 1:1 और अगर रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल. तो इसको सिर्फ लिखना रह गया था कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं. ये कुछ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है.
हाँ जी सर, ये हमारे पास क्वेश्चन था, देखो जरा एक क्वेश्चन और देखो, बहुत अच्छा वाला, एग्जाम में भी आया हुआ है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा सा भी अगर आप फोकस करेंगे तो ज्योमेट्री 10th की बहुत इजी है कंपैरेटिवली टू 9th, क्योंकि 9th में कितने क्वेश्चंस आपने ज्योमेट्री के करें, कितने चैप्टर्स करें। ये देखो सर, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस एग्जाम्पल में, बट ये बहुत सिंपल है। आपसे क्या कह रहा है, इन फिगर 6.16 PS अपॉन SQ, प्लीज जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से करते जाइए। PS अपॉन SQ ये हमारे पास इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब हुआ, जब हमसे क्वेश्चन में ही कह दिया कि PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR गिवन है, तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था, अगर लाइन पैरेलल होगी तो रेशो सेम होगा, और अगर रेशो सेम होगा तो लाइन पैरेलल होगी, तो इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा सा कि जो हमारी ST है वो QR के पैरेलल है। सो ST इज पैरेलल टू QR सिर्फ इस गिवन की वजह से, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। तो ज्योमेट्री तो बहुत सिंपल है, जैसे जैसे आपको टर्म दिए जाए वैसे वैसे आप लिखते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। अब आगे बढ़िए, आपसे क्या कह रहा है, एंगल PST इज इक्वल्स टू PRQ, तो इसे मेंशन कर लो, ये PST PRQ कहाँ है, PST एंगल ये है 1 और PRQ एंगल ये है 2, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया हुआ है, ठीक है, ST पैरेलल टू QR। अच्छा हमसे क्या कह रहा है, शो करना है PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब मैं आपको यहाँ पे कह दूं कि अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आपको ये करना है कि PQ जो है PR के इक्वल आ जाए, तब आप इसे आइसोसेलेस कहोगे। और मैं उसके लिए कह दूं कि ये साइड कब इक्वल होगी, अगर आप ये एंगल इक्वल कर दें, अगर ये 3 है और ये 2 है तो अगर 3 और 2 इक्वल हो जाए तो हमारी एंगल इक्वल हो जाएंगे तो अपोजिट साइड इक्वल, इतना सा करना है। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अगर ST QR के पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ BPT तो 1 में और 3 में क्या रिश्तेदारी है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, वेरी गुड, तो दे आर इक्वल, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, है ना भाई, तो यहां से हमें ये मिल गया। अच्छा लेकिन 1 तो 2 के इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 बट एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 ये गिवन है, तो अगर अब हम इन दोनों चीजों को देखें तो 1 तो कॉमन हो गया, तो आप क्या कहोगे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, अगर एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 3 की अपोजिट साइड होगी PR और 2 की अपोजिट साइड होगी PQ, और अगर PR PQ के इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया या नहीं हो गया, हो गया। That's it. इतना सा करना है, बताओ इसमें क्या मुश्किल थी, इतने इजी इजी थे क्वेश्चन में। आओ जी एक क्वेश्चन और देखो बढ़िया वाला। ये क्वेश्चन है और इस पे आपकी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, तो ये देख लीजिए आप अच्छे सब, इसको करने के बाद आपके पास चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज के अंदर ये एग्जांपल है 2 और फिर इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन, बहुत इजी है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन कहाँ करना है, तो कंस्ट्रक्शन अब यहाँ पता चलेगा कि हमें कंस्ट्रक्शन कब कहाँ कैसे करना होता है, क्यों करना होता है। हमारे पास क्या है, हमसे कह रहा है ABCD इज ए ट्रेपेजियम विद AB इज पैरेलल टू DC। आपके पास क्या है, ये ABCD ट्रेपेजियम, अगेन जो गिवन होता है पहले वहीं से बात करेंगे, और इसमें कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू DC, तो ये जो AB है ये DC के पैरेलल, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, ये E और F पैरेलल नॉन पैरेलल साइड्स पे पॉइंट्स है, आपसे कह रहा है ठीक है
such that EF is parallel to AB. अब उसने कह दिया कि EF जो है वो AB के parallel है, तो क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि क्या EF CD के भी parallel होगा? हाँ भाई, देखो यहाँ दो चीजें दे दी, AB उसने कहा है, AB उसने कहा है parallel to DC given, और उसने ये कहा है कि EF parallel to AB. तो ये हम यूज करेंगे आगे, अभी नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास गिवन है, तो इसे हम यूज करें, और हमसे कह रहा है प्रूव करो AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC, तो ये तो अपने आप आ जाएगा. बस यहाँ हो क्या रहा है कि ये मेरे पास ट्रेपेजियम है और मैंने जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा है BPT को, और BPT क्या होता है, इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड. तो इस पूरी फिगर में ट्राइंगल ही नहीं है, तो जब ट्राइंगल नहीं है तो फिर BPT कहाँ लगाऊंगा? अब मुझे ट्राइंगल चाहिए, तो जब खुद पता चल गया ट्राइंगल चाहिए तो फिर मुझे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंस्ट्रक्ट समथिंग. तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन का पता चलता है कि कहाँ कंस्ट्रक्शन करना है, कहाँ नहीं करना है, व्हाटएवर जो भी हम चाहें. तो हम एक ट्राइंगल बनाना चाहें तो ट्राइंगल आप BD को भी ज्वाइन कर सकते हो, AC को भी ज्वाइन कर सकते हो, और बस ट्राइंगल जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन करोगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. तो आपने कहा ये गिवन हो गया, यहाँ आपने कंस्ट्रक्शन ले लिया, कंस्ट्रक्शन आपने ले लिया ज्वाइन AC. अब आप सब बच्चे बताओ, जैसे ही आप ज्वाइन किया क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आप सब बच्चे मुझे बताओ क्या, और ये यहाँ पे सपोज करो O पे कर रहा है, इंटरसेक्ट, यहाँ लिख देते हैं इंटरसेक्ट EF एट O. अब आप सब बच्चे बस मुझे इतना सा बता दो, क्या OF AB के पैरेलल है? OF क्या AB के पैरेलल है? बिकॉज क्यों? क्योंकि EF AB के पैरेलल था, तो OF EF का पार्ट है या नहीं है? तो अगर EF AB के पैरेलल है तो EF का जो छोटा पार्ट होगा OF वो भी AB के पैरेलल होगा, यस और नो? बताओ ना. बस दो ही लाइन लिखनी है सर, क्वेश्चन ही खत्म हो गया. अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे OF is parallel to AB, रीजन देना चाहो दे दो, EF is parallel to AB. अगर लाइन पैरेलल तो रेशो सेम, तो रेशो क्या हो जाएगा, AO upon OC is equals to BF upon FC vice BP. That's it. इतनी सी बात है, ये हो गया वन. ठीक है जी, यहां से हमने ये प्रूफ लिया, यहां से लिया है प्रूफ. अब जरा फिर ध्यान से देखिए, अभी हमने क्या कहा, जो ऊपर लिखा है उसी को दोबारा से लिख ले रहे हैं. हमने क्या लिखा है कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास है AB is parallel to CD, ठीक है, given, and also AB is parallel to EF is also given, so EF is parallel to CD. अब सारे बच्चे देखिए, अगर EF parallel to CD है तो क्या फिर हमारे पास ये जो EO होगा ये DC के parallel होगा, yes or no? Yes sir. अगर EO DC के parallel होगा, EO parallel to DC, तो क्या BPT लग जाएगा? जी सर. BPT क्या लगेगा, AE upon ED is equals to AO upon CO या OC. बस क्वेश्चन भी खत्म हो गया. ये हमारे पास इक्वेशन 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है. तो जरा दोनों तरफ देख लीजिए, क्या यहाँ पे भी AO upon OC है और यहाँ पे भी AO upon OC है, तो from 1 and 2 तो आपके पास क्या आ गया, AE upon ED is equals to BF upon FC. ये हमें प्रूफ करना. तो सर इतना सा है ज्योमेट्री, तो ना कोई फॉर्मूला ना कोई कैलकुलेशन, नथिंग, थ्योरम्स हैं वो भी सिंपल सिंपल, पूरी पूरी एक्सरसाइज एक एक चीज पे, लाइन पैरेलल, रेशो सेम लाइन पैरेलल, सिर्फ इतना सा. तो कोशिश कर लीजिए इन सारे क्वेश्चंस को करने की, दो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है वो इसी पे बेस्ड हैं, तो ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप इसे बार बार करके देख सकते हैं पीछे करके, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे अभी दूसरी क्लास नंबर में 11th की. तो आज के लिए इतना.
एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, पैसे ना ले रहा इसके, 20 मिनट पढ़ाया आई जाते इस बातें करे संगे मित्रा फिट जाएगी किसी। चलो थैंक यू सो मच।